ईरान में बुधवार को हुए दो बम धमाकों में करीब 100 लोगों की मौत के बाद इसराइल हमास युद्ध के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकिन आज इसराइल पहुंच रहे हैं। अपने दौरे में अमेरिकी विदेश मंत्री कई अन्य अरब देशों का भी दौरा कर सकते हैं। इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से एंटी ब्लिंकिन का इसराइल का यह चौथा दौरा है। दरअसल ईरान में हुए बम धमाकों के बाद ईरान और हमास ने इसका आरोप इसराइल और अमेरिका पर लगाया है। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं बेरूत में हाल ही में हमास को एक शीघ्र कमांडर को भी ढेर कर दिया गया है। इसके पीछे इसराइल का हाथ बताया जा रहा है। इसराइल लगातार लेबनान की सीमा में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी बमबारी कर रहा है। यही वजह है कि इसराइल हमास युद्ध के पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका इस खतरे को समझाता है। यही वजह है कि अमेरिका विदेश मंत्री तुरंत इसराइल और अन्य अरब देशों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि युद्ध बढ़े या किसी के भी हित में नहीं है। ना तो ये किसी देश के हित में है, ना किसी क्षेत्र के और ना ही दुनिया के किसी भी देश के हित में। एंटी ब्लिंकन अपने दौरे के तहत तुर्की, ग्रीस, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इसराइल और वेस्ट बैंक और मिस्र का दौरा करेंगे। ब्लिंकन युद्ध के हालात पर चर्चा कर सकते हैं, साथ ही वह गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के इंतजामों को भी समीक्षा कर सकते हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री याओ ग्लैंट ने कहा कि उत्तरी गाजा में तब तक लोगों को वापस नहीं आने दिया जाएगा जब तक सारे बंधक नहीं छुड़ा लिए जाते। दरअसल इसराइल ने उत्तरी गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली करा लिया था। आपको बता दें, इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलेंट ने गाजा के लिए 4 पॉइंट का एक ऐलान पेश किया है। इसमें बताया गया है कि हमास के साथ युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पट्टी को कैसे संभाला जाएगा, जिसमें कहा गया है कि गाजा पर IDF पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण बरकरार रखेगी, लेकिन नागरिक मामलों में दखल नहीं देगी। स्थानीय फिलिस्तीनी अधिकारी नागरिक मामलों को संभालेंगे। गुरुवार शाम को इस प्रस्ताव को युद्ध कैबिनेट में चर्चा के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव फिलिस्तीनी प्राधिकरण की कोई भूमिका शामिल नहीं है, ना ही इसमें गाजा को फिर से बसाने के लिए प्रावधान है। यह पहली बार है जब किसी वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने युद्ध के बाद गाजा पट्टी के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया है। गैलेंट ने बैठक से पहले कहा कि उनकी रूपरेखा इस धारणा पर आधारित है कि हमास का गाजा पर नियंत्रण में नहीं है और इजरायल के लिए सुरक्षा खतरा पैदा नहीं करता है। यह गाजा पट्टी के नागरिक शासन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें इजरायल सीमाओं पर सैन्य नियंत्रण बनाए रखता है, गाजा के अंदर आवश्यक सैन्य और सुरक्षा कार्यवाही का अधिकार रखता है। वीडियो डेस्क amaruchala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।